So in the Android, today we are going to discuss database connectivity. Just one second, mobile OS. So there are two ways connectivity in Android. Number one, we can do the connectivity with SQLite database. It's very light weight database, especially designed for mobile devices. And second important point is that it's inbuilt database in all the मोबाइल डिवाइसेस, जितनी भी मोबाइल डिवाइसेस हैं उन सब में ये ऑलरेडी इनबिल्ट रहता है, बस उसे हमें इन्वॉल्व करना होता है और इन्वॉल्व करने के बाद हम उसमें टेबल्स क्रिएट करके अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं. अंडरस्टैंड? तो कैसे उसको हम इन्वॉल्व करके अपना टेबल्स वगैरह उसमें क्रिएट करेंगे, एंड हाउ टू स्टोर द डेटा इनसाइड द डेटाबेस एंड हाउ टू रिट्रीव. ठीक है, बहुत ध्यान से देखना क्योंकि इट्स लिटिल बिट सीरियस टॉपिक. एंड वन मिनट, तो एक बार और बोल दें उसको यार, हाँ आ जाए तो कम से कम उसका लॉस नहीं होगा. व्हाट आर द स्टेप्स we have to use in the database connectivity? Step by step we will see. So one important point, there are some classes which provides the SQLite related activities. So there is a class in Android called SQLite Open Helper. It's a very important class. This is abstract class. This class provides the connectivity, this class provides the connectivity to the application with the SQLite database. Secondly, this class, one minute, point to be noted, this class provides the connectivity of Android application with the SQLite database. Point number six, it also provides the way to create the database inside SQLite. SQLite को इस तरह से लिखते हैं इसलिए मैं बार बार आपको नेमिंग कन्वेंशन के अकॉर्डिंग लिख रहा हूं. SQLite, तो SQ और LIT, लाइट और SQL जो है वो कैपिटल से लिखा जाएगा. कहीं पर भी अगर आप इसे इन्वॉल्व करेंगे, यूज करेंगे. इट ऑल्सो प्रोवाइड द वे टू क्रिएट द डेटाबेस इनसाइड द SQLite एज वेल एज टेबल.
नंबर सेवन, नंबर सेवन, इट हैज सम एब्स्ट्रैक्ट मेथड विच वी हैव टू ओवरराइड, जो हमें ओवरराइड करने होंगे. तो व्हाट आर द मेथड्स विच वी हैव टू ओवरराइड? नंबर वन ऑन क्रिएट मेथड, ऑन क्रिएट मेथड. इसका पर्पस क्या है? ये बेसिकली जो ऑन क्रिएट मेथड है, इफ यू टॉक अबाउट द ऑन क्रिएट मेथड, इट इज यूज टू क्रिएट द टेबल inside database, but before that database must be exist. Okay, as we know that the table cannot be created directly, all the table comes under a specific database. Har table kisi na kisi database ke andar mein aati. So first of all we have to create a database, then inside that database we can create some tables. All right, so where the question is that where the database will be created, understand? So is function se pehle constructor of SQLite class, bahut important point hai. Constructor of SQLite class is responsible for creating the database. Creating the database, okay. It required some parameters. Because it's parameterized constructor. So what are the parameters? Okay. Number one, first parameter, context. ये database आप किस application के लिए बना रहे हैं? तो basically जो हम database बनाते हैं वो अपनी current application के लिए बनाते हैं. तो जो current application है जहां पर हम सारी प्रोसेसिंग टेक प्लेस कर रहे हैं वो हमारा कॉन्टेक्स्ट कहलाता है. सेकंड इज डेटा बेस नेम. ऑब्वियसली कोई ना कोई डेटाबेस क्रिएट होगा तो वो डेटाबेस के नाम के साथ ही क्रिएट. नंबर थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, फैक्ट्री मेथड. फैक्ट्री मेथड का मतलब होता है कि आप अपना प्रोसीजर फॉलो करना चाहते हैं डेटाबेस में, अपना ओन मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन या फिर जो SQLite का डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है. फैक्ट्री मेथड अक्सर तुमने देखा होगा कि जब हमारा सिस्टम जो है, कभी कभी सिस्टम हमारा बेसिकली कुछ इंटरप्शंस क्रिएट करने लगता है तो फिर हम उसको फैक्ट्री मोड पर या फैक्ट्री मेथड पे रन कराते हैं तो वो वापस अपनी उसी डिफॉल्ट स्टेजेस पे चला जाता है जिसमें वो स्टार्टिंग में था. तो फैक्ट्री मेथड का मतलब होता है SQLite का अपना बनाया हुआ स्पेसिफाइड कॉन्फ़िगरेशन. बट अगर आप उसे नहीं फॉलो करना चाहते हैं और आप अपना खुद का कोड डिजाइन करना चाहते हैं तो इसलिए इसको हम लोग नल कर देंगे. ठीक है, नल का मतलब है कि हम सारी कोडिंग अपनी रखना चाहते हैं ताकि उसमें एरर ट्रेसिंग फ्लो हमें पता चल जाए. द फोर्थ वर्जन, फोर्थ पॉइंट इज वर्जन. और हमारे SQLite का जनरली वर्जन होता है 1, अंडरस्टैंड? तो 1.0 कोई वर्जन नहीं था, फिर उसके बाद 1 से वर्जन स्टार्ट हुआ. तो अभी जो SQLite का वर्जन चल रहा है वो 1 वर्जन चल रहा है तो हम यहाँ पर वर्जन 1 दे देंगे, अंडरस्टैंड? तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेटाबेस का नाम, बस. अब कोई दिक्कत नहीं अगर हमने इतनी बातें समझ ली. एंड टेबल विल बी क्रिएटेड बाय SQL query
वी नो दैट हम लोग जो टेबल क्रिएट करते हैं वो एसक्यूएल क्वेरी के थ्रू क्रिएट होती है. तो हाउ टू राइट द टेबल, यहाँ पर अगर हम सब कुछ लिख लेंगे तो फिर प्रोग्रामिंग में हमको कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और उधर वाल हमारा सब कुछ तैयार हो रहा है. ठीक है, एंड नाउ आई वॉन्ट टू क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, क्योंकि बिकॉज प्रोजेक्ट को स्टार्ट होने में टाइम लगता है. एंड दिस इज माई एम्प्टी एक्टिविटी एंड हियर डेटाबेस. Slide demo and finish. अब इसमें ग्रिडल प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगेगा जब तक हम थोड़ा और थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं यहां पर. यस, सो टेबल विल बी क्रिएटेड बाय द एसक्यूएल क्वेरी. एंड हाउ टू क्रिएट द टेबल, क्रिएट CREAT. इसको एक काम कर लेते हैं, स्ट्रिंग ले लेते हैं, स्ट्रिंग क्यू इज इक्वल टू, और इसको थोड़ा पीछे तक स्पेस मिल जाए लिखने के लिए. क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम टीबीएल अंडरस्कोर ईएमपी, और उसके बाद ब्रैकेट. अब हमें यहां पर फील्ड डिसाइड करनी है, तो जो फील्ड डिसाइड करेंगे हम लोग तो एक ईएमपी आईडी एंड इंटीजर, और साथ में अगर हम रखना चाहें तो उसको प्राइमरी की रख सकते हैं, क्योंकि एक ना एक टेबल यूनिकली आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स हमारी प्राइमरी की होनी चाहिए. उसके बाद ई नेम टेक्स्ट, यहाँ पर एक टेक्स्ट फील्ड होती है टेक्स्चुअल डेटा देने के लिए. एंड एज, और एज को हम रख लेंगे इंटीजर में, तो आई एन टी जी आर इंटीजर, और कॉमा सैलरी इंटीजर. ऑलराइट, ये हो गया. एम्प्लॉय आई डी नेम, और इसको एज ना रखकर हम सिटी रख लेते हैं, और सिटी को भी टेक्स्ट कर लेंगे. ओके फाइन, ये तो बन गया. अब एक प्रॉब्लम यहाँ पर और है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम. प्रॉब्लम ये है कि इस क्वेरी को एग्जीक्यूट भी तो कराना है, तो एग्जीक्यूट कराने के लिए कहाँ एग्जीक्यूट करानी है, हमको एग्जीक्यूट कराना है उसी डेटाबेस में जो डेटाबेस हमने क्रिएट करा. तो बिना उस डेटाबेस के अंदर इस क्वेरी को अगर हम एग्जीक्यूट नहीं कराएंगे तो हमारी ये टेबल उस डेटाबेस के अंदर में नहीं क्रिएट होगी. वन मिनट, आई थिंक ऑलरेडी इट इज इनिशियलाइज्ड. करेंगे सबसे पहला काम, आई थिंक इट्स डन. फाइन, यहां पर कई हमको नई चीजें देखनी काम, तो इसको हम लोग लीनियर लेआउट में कन्वर्ट कर लें. नॉट स्पाइन, ठीक है, और इसको रिमूव करके टेक्स्ट व्यू स्प्लिट कर लेते हैं. ओरिएंटेशन वर्टिकल, मैच पैरेंट 40 डीपी, पैडिंग 15 डीपी, मार्जिन टॉप 20 डीपी थोड़ा नीचे, एंड टेक्स्ट इज इक्वल टू डेटाबेस कनेक्टिविटी. एंड टिक साइज 22 डीपी, एंड टेक्स्ट कलर ब्लैक, and gravity is equal to center. Now, it's a small heading will be displayed that what activity we are going to do. Okay? अब यहाँ पर एक important decision हमें लेना है while designing. पहले हम design पे काम कर रहे हैं. We are, first of all, we are doing designing. तो designing में
डिजाइनिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमें समझनी है कि ये हमारी एप्लीकेशन है और इस एप्लीकेशन में हमने डिजाइन रखा है, मतलब ओरिएंटेशन रखा है वर्टिकल, और ये हमारा टेक्स्ट व्यू है। अब जितने भी चीजें आएंगी वो इस तरह से आएंगी, दिस इज कॉल्ड वर्टिकल ओरिएंटेशन। बट हम चाहते हैं इस तरह से लेआउट ना हो, इस तरह से लेआउट हो। यहां पर इंटर एम्प्लॉय आईडी और यहां पर यूजर को एडिट टेक्स्ट दिया जाए टू टाइप द आईडी। बट अभी हमारा जो ओरिएंटेशन है वो वर्टिकल चल रहा है, तो वर्टिकल में इस तरह का ओरिएंटेशन अलाउड नहीं है। तो वी हैव द टू ऑप्शन, आइदर वी टेक अ नेस्टेड लीनियर लेआउट, पहला पॉइंट, या तो हम नेस्टेड लीनियर लेआउट लें या फिर हम लोग एक नया लीनियर लेआउट आज इंट्रोड्यूस करते हैं, टेबल लेआउट। टेबल लेआउट इज जस्ट लाइक द टेबल ऑफ HTML, लाइक टेबल, वन मिनट, जस्ट आई एम टेकिंग अ न्यू फाइल, table.html and write, open it, one second, and here table, and inside the table हमें अगर याद हो तो हम लोग क्या लेते हैं, tr, close tr, then close TD, right? See, this TR is called row and this TD is called column. अगर हम इसे अपने Android से compare करें, ये तो हमारा HTML format है, but अगर हम इसे अपने Android से compare करें, तो table तो वहाँ पर होता है, it is basically by the table layout, और उसके अंदर होता है table row, एंड इन साइड द टेबल रो कॉलम नहीं होता। कॉलम का मतलब यह है कि आप जितना भी डेटा लिखना चाहें लिख दें, वो अपने आप कॉलम में डिवाइड होता जाएगा। मतलब वन कंट्रोल इन वन कॉलम, द अनदर कंट्रोल विल बी कम इन द सेकेंड कॉलम, द थर्ड कंट्रोल विल बी कम इन द थर्ड कॉलम, ऑटोमेटिकली। अंडरस्टैंड, क्लियर? आप लोग यहां पर एक ऑप्शन और देते थे, कॉल स्पैन इज इक्वल टू टू। इसका मतलब होता है ये रो जो है वो दो कॉलम के बराबर विद ऑक्यूपाइड करेगी। तो इस तरह से हम लोग यहां पर भी आई थिंक टीडी में देते थे कॉल स्पैन, यस, कॉल स्पैन इज इक्वल टू टी, तो ये कॉलम दो कॉलम के विथ के बराबर विथ ऑक्यूपाइड करेगा। तो वैसा काम हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, दिस इज ऑल्सो अलाउड हियर। तो आज हम लोग एक नया बेसिकली डिजाइन देखेंगे जिसका नाम है टेबल लेआउट। तो टेबल लेआउट के अंदर हमारे पास रोज होती हैं और रोज के साथ साथ हम कॉलम्स भी दे सकते हैं, ठीक है? अच्छा, अब इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ, और क्लियर करने के बाद में प्रैक्टिकल थोड़ा सा लेंथी है, ठीक है? हम लोग कवर कर लेंगे। ये 3 दिन चलती है डेटाबेस कनेक्टिविटी। 1 दिन में आपकी टेबल्स क्रिएट होती हैं, डेटाबेस मेंटेन होता है, मैसेजेस आते हैं, आपका रिकॉर्ड डेटाबेस के अंदर टेबल्स में स्टोर हो जाता है, इतना काम होता है। 2nd डे हम उसका व्यू देखते हैं और सर्चिंग और सॉर्ट, मतलब सर्चिंग एंड डिलीशन। तो 1 मिनट, तो सबसे पहले हम यहाँ आ गए, और यहाँ पर आने के बाद जस्ट इन बैकग्राउंड इज इक्वल टू कोई भी लाइट कलर ले लेते हैं, जस्ट वेरी लाइट कलर, दैट्स फाइन, थोड़ा और, यस फाइन, ठीक है? अब यहां पर इस जगह पर हम लोग लेंगे टेक्स्ट व्यू के अंदर हैं,
और इस लीनियर लेआउट से हम लोग बाहर आ जाते हैं, नहीं लीनियर लेआउट के अंदर रहते हैं टेबल लेआउट, क्योंकि लीनियर लेआउट से बाहर आने का मतलब यह है कि पैरेंट हमारा लीनियर लेआउट ही रहेगा, उसके अंदर वी आर टेकिंग अ सब लेआउट, दैट इज कॉल्ड अ नेस्टेड लेआउट। तो टेबल लेआउट, ठीक है। अब टेबल लेआउट की आप विड्थ क्या रखना चाहते हैं, तो जो भी आप विड्थ रखना चाहें रख सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम विड्थ रखना चाहते हैं मैच पैरेंट, मतलब पूरी विड्थ को वो ऑक्यूपाइड कर ले, और हाइट जो है वो हम रखेंगे रैप कंटेंट। इसलिए रैप कंटेंट कि जैसे जैसे इसमें मल्टीपल रोज क्रिएट होती जाएंगी, ये टेबल अकॉर्डिंग टू दैट बढ़ती जाएगी, रैप कंटेंट दोनों चीजें। अच्छा, अब यहां पर एक बात बतानी है हमको, एपीआई 9, जो हमारी एपीआई 9 आई थी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, तो उससे पहले फिल पैरेंट चलता था, उसके बाद मैच पैरेंट चलने लगा। कहीं बुक में या कहीं पर आप देखें फिल पैरेंट लिखा है, तो फिल पैरेंट और मैच पैरेंट दोनों एक ही हैं, काम बिल्कुल एक जैसा करते हैं, बस एक पहले का है और एक बाद का। ठीक उसी तरह से आपको एक चीज और बता दें यहां पर, वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू, वेरी इंपॉर्टेंट। एक है आपका कंस्ट्रेंट लेआउट और एक है आपका रिलेटिव लेआउट। कंस्ट्रेंट लेआउट जो है वो एंड्रॉइड का लेआउट है, और रिलेटिव लेआउट जो है वो जावा का लेआउट है। तो जावा ने भी अपना कुछ कंट्रीब्यूशन किया एंड्रॉइड के साथ, तो जावा के डेवलपर्स ने एंड्रॉइड के साथ कुछ अपने क्लासेस, कुछ अपने लेआउट कंट्रीब्यूट किए। तो बहुत से लोग जावा के लेआउट्स को यूज कर लेते हैं रिलेटिव, और बहुत से लोग कंस्टेंट लेआउट एंड्रॉइड यूज करते हैं, तो दोनों का पर्पज एक ही है। बट लेजेंसी है आपका रिलेटिव जो कि जावा से आ रहा है हेरिडिटी वाइज, और ये इसने बताया, दैट्स इट। ओके, थोड़ा सा यहां पर ये बता दिया हमने। अब इसके बाद आते हैं हमारा टेबल रो। अब टेबल रो में क्या क्या चीजें हमें रखनी है ये हमको थोड़ा सा डिसाइड करना पड़ेगा। पहले तो इसको हम थोड़ा सा नीचे कर लें इसको, और मार्जिन टॉप 20 डी थोड़ा नीचे हो गया। एक रो हमको बस बनानी है, सबसे बड़ी बात तो यही, बस एक रो हमारी बन गई। अब टेबल के अंदर रो है, अब एक अगर हमारी बन गई तो फिर उसके बाद सारी बिल्कुल एक ही जैसी बनती चली जाएगी, ठीक है। अब यहां पर हम रखते हैं टेक्स्ट व्यू, और टेक्स्ट व्यू में चाहो तो तुम इसको ऐसे भी क्लोज कर सकते हो सेल्फ क्लोजिंग के साथ, और यहां पर टेक्स्ट इज इक्वल टू इंटर एम्प्लॉय आईडी, टेक्स्ट साइज इज इक्वल टू 22 पिक्सल, एंड बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू हाइट, सॉरी बैकग्राउंड कलर नहीं, एंड टेक्स्ट कलर ब्लैक। ओके, ये हमारी पहली आ गई। इसको आप, हाँ, 22 डीपी इज अ परफेक्ट साइज ब्लैक, ये हमारी पहली। अब जो बचा हुआ पोर्शन है वो सेकंड कॉलम के लिए, दिस इज फॉर सेकंड कॉलम। तो सेकंड कॉलम के अंदर हमें क्या रखना है, सेकंड कॉलम के अंदर हम लोग रखेंगे एक एडिट टेक्स्ट। ओके, तो यहां पर हम लोग रखते हैं एडिट टेक्स्ट, और एडिट टेक्स्ट में इसको भी सेल्फ क्लोज कर लेंगे, यहां पर से डिलीट इसमें। अब विद नहीं, विद वो अपने हिसाब से एडजस्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि और भी कॉलम हो सकते हैं ना इसके अंदर, तो वो अपने हिसाब से कॉलम वाइज एडजस्ट करेगा। ज्यादा विद दे देंगे तो फिर दूसरे कॉलम को एडजस्ट होने में प्रॉब्लम होगी, और यहां पर हम लोग
कस्टमाइज मतलब जितना चाहे उतना आ जाए। ठीक है, वो भी हो जाएगा, अभी बताते हैं। ठीक है, 22 dp, बस ये हमारा लेआउट तैयार हो जाए पहले। ठीक है, टेक्स्ट साइज इज इक्वल टू 22 dp एंड हिंट इज इक्वल टू इंटर आईडी, और उसके बाद में ये हो गया। इसमें यहां पर हम लोग सारी चीजें तो हो गई, हाइट 50 dp, और विद अगर आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब अगर आप विद यहां रखना चाहें तो रख सकते हैं, तो जितनी विद आप रखना चाहें वो रख सकते हैं। अगर आप छोड़ देंगे तो वो अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करेगा, और अगर आप विद कर देंगे तो वो विद उतनी लेगा जितनी आपने सेट करी है। समझ गए, ये है विद, विद का ऑप्शन। तो अब जो भी विद आप यहां रखना चाहें वो रख सकते हैं। अब देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा आपस में क्लोज हो गया है। ठीक है, तो अब आप देखिए थोड़ा सा इसका अलाइनमेंट और बेटर करना चाहते हैं, तो ग्रेविटी इज इक्वल टू सेंटर, और यहां पर भी हम ग्रेविटी इज इक्वल टू सेंटर, साथ में इसकी विद को दे दिया हमने, तो थोड़ा सा ये कॉलम एक्सपैंड करके उधर चला गया है, वो ज्यादा बेटर। ठीक है, दोनों अलाइनमेंट बिल्कुल सेम है, अलाइनमेंट ऊपर नीचे नहीं होते हैं, थोड़ा सामने से उधर कर दिया और बस अब ठीक है, और ग्रेविटी सेंटर हटा दी ये बिल्कुल ठीक है, एब्सोल्युटली फाइन। हाँ, मार्जिन भी दे सकते हैं, मार्जिन क्या रखना चाहते हो, मार्जिन क्या रखना चाहते हो, तो मार्जिन हम मार्जिन उधर से हम दे सकते हैं, हो गया गैप आ गया। इतना टाइम लगता है बस, अब बहुत सही आ रहा है। ठीक है, अब एक काम और कर लेते हैं इसमें थोड़ा सा, अब एक इसमें बेनिफिट और भी है, जैसे अगर हम लोग लीनियर लेआउट नेस्टेड यूज करते हैं, तो लीनियर लेआउट नेस्टेड यूज करने में सब मतलब एडवांटेजेस तो हैं, साथ में कुछ डिसएडवांटेजेस भी, तो उसमें सारे मतलब एक आईडी और एक मतलब टेक्स्ट आईडी, टेक्स्ट व्यू और एडिट आईडी, वो इंडिविजुअल होते हैं, तो अगर हमें शिफ्टिंग करानी है तो हम एक को नीचे शिफ्ट कराएंगे तो फिर दूसरे को भी नीचे शिफ्ट कराना पड़ेगा, तीसरे को। अब यहां पे क्या है, क्या तुम आ गए भैया, हैं नहीं है? ठीक है, तो अब एक काम ये करेंगे, यहां पर इस जगह पर ये टेबल लेआउट आ रहा है, तो अगर हम मार्जिन से इसको 40 करना, तो जब ये पूरा शिफ्ट होगा तो इसके अंडर में जितने भी रो एंड कॉलम है वो भी नीचे की तरफ शिफ्ट होते चले, अंडरस्टैंड? अब यहां पर एक आईडी हमने डिसाइड कर ली, और आईडी में हमने दे दिया ईएमपी आईडी, ओके, तीन जगहों पर हमको देनी है ईएमपी आईडी, तो इसलिए कहीं पर कॉन्फ्लिक्ट ना हो, तो ये हो गया। अब कुछ नहीं, बस इस पूरे रो को कॉपी कर लो और इसको नीचे पेस्ट करो, दूसरा आ गया बिल्कुल परफेक्ट अलाइनमेंट के साथ, और एक मिनट, इसको थोड़ा ऊपर और इसको थोड़ा ऊपर, काम को बचाने के लिए हमने ये लेआउट इंट्रोड्यूस करा आज, और यहां पर हम लोग कर देंगे ईएमपी नेम और ईएमपी नेम, ठीक है, ओके, और इस जगह पर Understand? अब एक्चुअली देखो यहां पर ये सेंटर क्यों आ रहा है, ये सेंटर में आ रहा है, ये सेंटर में आ रहा है, आप चाहें तो ये अलाइनमेंट रख लें
और या फिर आप पहले वाले का जो ग्रेविटी आपने सेट कर रखी है ना, इसको आप हटा दीजिए तो वो बिल्कुल साइड से क्लोज होकर के आ जाएगा, और ये भी बिल्कुल साइड से क्लोज होकर के आ जाएगा यहां पर, अगर आप इसकी ग्रेविटी भी हटा दें लाइक दैट। अब ये बिल्कुल साइड से कॉर्नर से क्लोज होकर के आ गया। थोड़ा सा डिजाइन में हमको थोड़ा, क्योंकि ये पहले से पैरामीटर्स एक्चुअली फिक्स नहीं होते, ये ऑन स्पॉट हमें देखने पड़ते हैं, सेट करने पड़ते हैं। अच्छा एक बात और, यहां पर इन दिस प्लेस एम्प्लॉय आईडी जो है वो हम ये चाहते हैं कि टेक्स्ट में ना इनपुट हो, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे इनपुट टाइप, इनपुट टाइप इज इक्वल टू नंबर। तो इससे दो बेनिफिट होंगे, पहला बेनिफिट तो ये होगा कि यूजर कोई टेक्स्ट डेटा टाइप नहीं करेगा, और दूसरी बात यह है कि जब आप इसको मोबाइल पर रन करेंगे तो पैड, जो पैड नहीं होता टाइपिंग पैड, वो सिर्फ नंबर वाला ओपन होगा, उसमें अल्फाबेट्स नहीं दिखाई देंगे। अंडरस्टैंड? तो सिर्फ आपके नंबर वाला दिखाई देगा, नंबर आप टाइप कर सकते हैं बट अल्फाबेट्स विल नॉट बी देयर, बट यहां पर अल्फाबेट्स आपको मिलेंगे। जैसे ही आप दूसरे एडिट टेक्स्ट में एंटर होंगे यहां पर आपको मिलेंगे, अंडरस्टैंड, यहां पर आपको मिलेंगे। ओके, तो इनकी आईडीज हम लोगों ने ऑलरेडी सेट कर रखी है। अब जल्दी से, अब जैसे आपको ये पूरा कॉपी करने में टाइम लगा, तो यहां पर एक माइनस का साइन है, आप उस पर क्लिक कर दीजिए, ये पूरा कोलैप्स हो गया। अब आप इसे कॉपी कर लीजिए और कॉपी करने के बाद मैक्सिमाइज करिए, और फिर आप नीचे आ जाइए, और नीचे आने के बाद में एक और पेस्ट कर दीजिए, और फिर आप इसको एक्सपैंड कर लीजिए। दैट्स इट, दिस इज ऑल्सो द वे ऑफ पेस्टिंग। और इंटर एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सिटी और ईएमपी सिटी। अब ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है, डिजाइन बहुत जल्दी हो रही है, और एक और काम कर लेते हैं। अब इसको फिर से एक्सपेंड कर लो, और यहां पर एम्प्लॉय सैलरी। ओके, अब देखो जब तुम इसको इंक्रीज कर रहे हो तो वो आगे का तुम्हारा लेआउट डिस्टर्ब नहीं हो रहा, यही सबसे बड़ा बेनिफिट है टेबल लेआउट। और यहां पर एडिट टेक्स में ईएमपी सैलरी, अंडरस्टैंड। अब एक काम और कर लेते हैं, सर यहां पर एक रो और ले लें, हम रो वाइज को भी ऊपर नीचे शिफ्ट कर सकते हैं, देखो अभी करेंगे। तो यहां पर हमने इसको पेस्ट कर दिया तो हमें एक रो और मिली। अब इस रो में हमको टेक्स्ट व्यू और एडिट टेक्स्ट नहीं रखना, तो नो प्रॉब्लम, यू कैन डिलीट इट। क्या रखना है इसमें, एक्चुअली हमें बटन रखना है, नो प्रॉब्लम, तो बटन रख सकते हैं। तो बटन के लिए आप क्या रखना चाहते हैं, अभी हम रखना चाहते हैं इंसर्ट बटन, और बटन का ये पूरा बटन उसने एक कॉलम को ऑक्यूपाइड किया है, इसको अभी हम छोटा करना भी बता देंगे, ठीक है, इसको सेंट्रलाइज कर देंगे, छोटा हो जाएगा। अब यहां पर टेक्स्ट इज इक्वल टू इंसर्ट रिकॉर्ड, रिकॉर्ड्स या रिकॉर्ड, एंड आफ्टर दैट, आफ्टर दैट रिकॉर्ड, हाँ सही तो है, बस इसमें इतना ही रखना है, ठीक है। अच्छा एक चीज और, इसमें हाँ एक चीज और रख लेते हैं, वैसे उसको भी रखने की जरूरत नहीं है आईडी, क्योंकि आईडी बटन पे जरूरत होती नहीं है। तो एक काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं एंड कॉपी एंड पेस्ट। एक चीज तुमने नोटिस की, यहां पर हमें कॉलम स्पेसिफाइड करने की जरूरत नहीं है, जैसे ही हम दूसरा लेंगे वो ऑटोमेटिक, ऊपर का लेआउट एक्चुअली लेकर चल रहा है वो, इस वजह से। एक मिनट अभी बताते हैं इसको, इसकी ग्रेविटी जो है छोटा हो गया, और इसकी ग्रेविटी सेंटर, बिल्कुल सही, दोनों की ग्रेविटीज जो हैं वो सेंटर हमने कर दी। अच्छा अब एक काम और करना है हमें यहां पर, कि इस पूरे को थोड़ा सा नीचे शिफ्ट करना,
तो अगर हम नीचे शिफ्ट करेंगे तो मार्जिन टॉप 40 डिप, तो दोनों अपने आप नीचे शिफ्ट हो गए, दोनों अपने आप नीचे शिफ्ट हो गए और साथ में इतना बिल्कुल ठीक है और परफेक्ट। इतना डिजाइन समझ में आ गया, एब्सोल्युटली फाइन, डिजाइन इज क्लियर। अब एक काम और करना है हमें, यहां पर तो ये सारी चीजें हो गई, डिजाइन प्रिपेयर्ड हो गया। अब डिजाइन प्रिपेयर्ड हो गया तो उसको एक बार हम लोग रन करके देख लेते हैं और रन तो खैर हो जाएगा, ये रन करने से एक ये होगा कि अगर बड़ा प्रोग्राम रन ना करो तो नेक्स्ट टाइम जल्दी एग्जीक्यूट हो जाता। तो पहले हम इसको रनिंग फेज पे डाल देते हैं। आ गया मोबाइल, आ गया हमारा। अब मोबाइल इसको क्लिक कर दिया और क्लिक करने के बाद में सेटिंग डिस्प्ले, और डिस्प्ले जो है हम इसका 30 रखेंगे, 30 मिनट, और थोड़ा सा इसको एक्सपैंड कर लेते हैं। टुडे वी आर गोइंग, सेम लेआउट, अब जो हम लोग करेंगे प्रैक्टिकल इसके बाद, वो पूरा होने के बाद डेटाबेस टेबल और रिकॉर्ड इंसर्शन, रिकॉर्ड इंसर्शन वो दोनों चीजें एक साथ होंगी, बस ग्रेडिंग इज ऑलमोस्ट फिनिश। ठीक, परफेक्ट। थोड़ा सा फॉन्ट स्क्रीन वाइज बड़ा आ रहा है, थोड़ा सा बड़ा आ रहा है। एक काम करते हैं, जस्ट वन मिनट, 20, क्योंकि स्क्रीन के अकॉर्डिंग सूट करता हुआ फॉन्ट होना चाहिए, इसको 20, इसे कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अब ठीक है, मेक चेंजेस, एक बार चेंजेस कर लेते हैं इसमें। चेंजेस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, परफेक्ट, बिल्कुल सही है, ठीक, एब्सोल्युटली फाइन। अब बिल्कुल हम इसे ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। This is a design actually.
तो अब एक काम करते हैं, हम आगे की तरफ चलते हैं। डेटाबेस कनेक्टिविटी करने के लिए अगर हम किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के अंदर डेटाबेस कनेक्टिविटी का क्लासेस लिखेंगे तो फिर वो उस एप्लीकेशन के लिए एक लोकल कनेक्टिविटी हो जाएगी। बट ऐसा भी हो सकता है कि हमारे एक प्रोजेक्ट में मल्टीपल एप्लीकेशन हो, मल्टीपल एप्स हो, मल्टीपल एक्टिविटीज हो, तो हम जो क्लास बनाएंगे डेटाबेस कनेक्टिविटी से रिलेटेड वो सेंट्रलाइज होना चाहिए। तो हम प्रोजेक्ट में जाएंगे और प्रोजेक्ट में जाने के बाद जावा के अंदर com.example.databaseSQLite उसके अंदर माई एक्टिविटी है मेन एक्टिविटी और सारी एक्टिविटी यहीं आती है। तो हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद देखो यहां पर देखो मेन एक्टिविटी, तो इसी पर राइट क्लिक करेंगे और न्यू जावा क्लास, और हमने यहां लिखा डीबी मैनेजर। ये क्लास ले लिया हमने। दिस इज अ सिंपल यूजर डिफाइंड क्लास, एक सिंपल यूजर डिफाइंड क्लास है। अब सबसे पहले क्योंकि इस क्लास के थ्रू डेटाबेस कनेक्टिविटी करनी है तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इस क्लास को एक्सटेंड कराना पड़ेगा। किससे? इस क्लास को हमें एक्सटेंड कराना पड़ेगा MySQLite, My कौन से SQLite ओपन हेल्पर से, एक्सटेंड SQLite ओपन हेल्पर। बस थोड़ा सा आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है मैंने बताया, तो जब तक इसके फंक्शंस को हम एक्सटेंड, जब तक इसके फंक्शंस को हम लोग ओवरराइड नहीं करेंगे। इसमें दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिनको ओवरराइड करना जरूरी है, तो पहले हम इस पर राइट क्लिक करेंगे शो कंटेक्स्ट और उसके बाद इंप्लीमेंट मेथड। तो ये दो फंक्शंस, पहला है ऑन क्रिएट जिसका काम अभी हम करेंगे और ऑन अपग्रेड का यूजेज कुछ दिनों के बाद आएगा, तो लेकिन करना दोनों को हमें ओवरराइड करना पड़ेगा। तो शिवम आर यू देयर? डेटाबेस कनेक्टिविटी चल रही थी आज और टेबल लेआउट भी बताया था हमने, इसलिए तुमको मैसेज भी किया था पर्सनली, लेकिन तुम आ नहीं पाए। अभी क्या है कि सर, हाँ सर, अभी आपने दोनों फंक्शन को ओवरराइड तो कर लिया है, बट जब तक के हम इस क्लास के थ्रू SQLite ओपन हेल्पर का कंस्ट्रक्टर नहीं इन्वोक करेंगे तब तक ये कंप्लीट इंप्लीमेंटेशन नहीं माना जाएगा। हाँ, अगर इसके अंदर नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है इसलिए हमें कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करना कंपलसरी। ये चीज हमने जावा से सीखी, अगर हम जावा नहीं पढ़े होते तो यहां हमको प्रॉब्लम हो जाती। तो हम लिखेंगे सुपर, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ सुपर वी कैन कॉल द सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर। अंडरस्टैंड? तो पहले हम लोग एक काम कर लेते हैं, अपना कंस्ट्रक्टर इसका खुद का बना लें, क्योंकि कंस्ट्रक्टर टू कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग होगी। तो पब्लिक डीबी मैनेजर, और इसमें जरूरत पड़ती है कॉन्टेक्स्ट की, एंड कॉन्टेक्स्ट इसमें कॉन्टेक्स्ट क्लास है और ये कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल है। बताते हैं इसका यूज क्या है, ऑल्टर एंटर तो ये रिजॉल्व हो जाएगा। और एक काम और कर लेते हैं, अभी हम सब बताते हैं कॉन्टेक्स्ट एक्स, वन मिनट, ये एक्स क्यों लिया है वो भी हम बता रहे हैं। अब सुपर, सुपर का मतलब ये होता है कि हम SQLite ओपन हेल्पर का कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ आवर कंस्ट्रक्टर। तो सबसे पहला पैरामीटर में पास होता है कॉन्टेक्स्ट और दूसरा पास होता है EMP DB या EMP डेटाबेस, ये हमारे डेटाबेस का नाम है, और कॉमा फैक्ट्री मेथड नल क्योंकि हमें अपना कॉन्फ़िगरेशन रखना है, और वन एंड दैट्स इट, ये एक्सपैंड हो गया, अब कोई एरर नहीं। अब एक एक करके इसको फिर से समझ लेते हैं। देखो एक चीज बहुत ध्यान से सुनना कि जो हमारी एक्टिविटी है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एक्टिविटी, ये हमारी जो पूरी एक्टिविटी है, तो ये पूरी एक्टिविटी एक कॉन्टेक्स्ट कहलाती है। तो जो कुछ हम कर रहे हैं वो इस एक्टिविटी के लिए कर रहे हैं, तो दिस इज माय कॉन्टेक्स्ट। तो जब हम अपने इस एप्लीकेशन को रन करेंगे, ठीक है, तो ये जो हमारी एक्टिविटी है जिस पर हमने डिजाइन करा वो हमारा कॉन्टेक्स्ट है, और यहां पर जब हम इस डीबी मैनेजर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे
तो हमको वहां से दिस पास करना होगा। दिस का मतलब है कि जो हमारी करंट एक्टिविटी है उसका रेफरेंस, वो पास होकर के कॉन्टेक्स्ट में आ जाएगा। और कॉन्टेक्स्ट का मतलब है कि जो हम डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं वो उस एक्टिविटी के लिए क्रिएट कर रहे हैं जो वहां पर रन हुई, और उस एक्टिविटी के लिए ये डेटाबेस बनाओ। और फैक्ट्री कोलन नल का मतलब है कि कोई कॉन्फ़िगरेशन हम एसक्यूएलआइट का यूज नहीं करेंगे, वी विल क्रिएट अवर ओन कॉन्फ़िगरेशन। सेकंड पॉइंट वन वर्जन है। अब क्वेश्चन ये आता है, सर आपने यहां पर कॉन्टेक्स्ट एक्स क्यों लिया, और हमने एक्स में इस कॉन्टेक्स्ट को स्टोर कर लिया। अब इसका रीजन क्या है, ये क्यों लिया और इसके अंदर क्यों आपने इस कॉन्टेक्स्ट को स्टोर करा, उसका बस एक मिनट में आंसर दे रहे हैं। उसके आंसर के लिए हमें इसे कंप्लीट करना पड़ेगा। ऑन क्रिएट मेथड के अंदर हम लोग टेबल्स क्रिएट करते हैं, टेबल क्रिएट करते हैं। कौन सी टेबल, डेटाबेस क्रिएट हो गया, अब हमें टेबल क्रिएट करनी। तो टेबल क्रिएट करने के लिए स्ट्रिंग क्यू एंड क्यू इज इक्वल टू क्रिएट, वन मिनट, डबल इन्वर्टेड कॉमास में क्रिएट टेबल। और क्या क्या रखना है हमको, हमको रखना है ईएमपी आईडी इंटीजर, ईएमपी आईडी इंटीजर एंड प्राइमरी की कॉमा ईएमपी नेम टेक्स्ट कॉमा ईएमपी सिटी टेक्स्ट कॉमा ईएमपी सैलरी इंटीजर। ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने, और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद साथ में इन्वर्टेड कॉमा दिए। ये हमारी वो क्वेरी बन गई जिससे हम लोग टेबल क्रिएट करेंगे, टेबल हम क्रिएट करेंगे। अब बहुत ध्यान से एक चीज समझना, टेबल की क्वेरी क्रिएट हुई है, अभी टेबल एग्जीक्यूट नहीं हुई। तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है डीबी, वो एसक्यूएलआइट डेटाबेस का ऑब्जेक्ट है। कौन सा एसक्यूएलआइट डेटाबेस, जो हमने अभी डेटाबेस क्रिएट करा है ये उसका ऑब्जेक्ट है। तो अगर हम लिखते हैं डीबी डॉट exe sql, मतलब एग्जीक्यूट करो sql क्वेरी और उसमें पास करो क्यू को, तो 100% हमारी ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी अंडर दिस डेटाबेस। ऑलराइट, इस डेटाबेस को रिप्रेजेंट करता है ये डीबी, और अगर हम डीबी के थ्रू रन कराते हैं, व्हाई दिस एरर इज कमिंग, क्रिएट, अच्छा सॉरी क्रिएट टेबल, टेबल का नाम तो टीबीएल अंडरस्कोर EMPLOY employee। अब ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जिस जगह पर आप हैं, मतलब जहां से आपने जो आपकी करंट एक्टिविटी है उस पर ही आप उसी करंट एक्टिविटी पर आप एक मैसेज डिस्प्ले करना चाहते हैं, उसी करंट एक्टिविटी पे एक मैसेज डिस्प्ले करना चाहते हैं, टोस्ट, ठीक है। और क्या मैसेज डिस्प्ले करना चाहते हैं, डेटाबेस क्रिएटेड एंड टेबल इज सेटअप, दोनों काम हो गए। अब देखो यहां पर उसने अपने आप एक्स ले लिया, और एक्स में आपने ऑलरेडी करंट कॉन्टेक्स्ट को स्टोर कर रखा है, मतलब जो आपकी एक्टिविटी रन कर रही है उसका रेफरेंस एक्स में है, और उसने एक्स यहां पर यूज कर लिया। इसका मतलब दैट मैसेज विल बी डिस्प्ले ऑन करंट एक्टिविटी। ये कोई आदमी आप कहीं से किसी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट से भी आप कर लें कोर्स, ये सब चीजें क्लियर नहीं होती, और वो सीधा सीधा बस आंसर आ जाएगा, रन कर लेगा। आप वीडियोस भी देख लीजिए, वीडियोस एक वन साइडेड जर्नी होती है, वो सिर्फ बोल रहे हैं, आप सिर्फ सुन रहे हैं। अगर आपको कोई क्रॉस क्वेश्चन माइंड में आया तो ही विल नॉट रिप्लाई, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई, कैन यू प्लीज कंफर्म, आराम से देख लो, कहीं पर कोई दिक्कत हो तो फौरन बताओ इसको। हाँ सर, यहाँ पे हाँ क्वेरी के थ्रू कर रहे हैं, इसी को मैनुअली कहा जाता है। अच्छा, वो वैसे, हाँ वैसे नहीं होता, इसमें वैसे नहीं होता,
इसमें क्वेरी के थ्रू ही क्रिएट करनी पड़ेगी। आप एसक्लाइड डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकते डायरेक्टली, एक मिनट पहले बता दें, आप एसक्लाइड डेटाबेस को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, आप एसक्लाइड डेटाबेस को प्रोग्रामेटिक क्वेरी के थ्रू ही एक्सेस करेंगे। आप देख नहीं सकते कि कहां एसक्लाइड बना है, वहां तक आप नहीं पहुंच सकते सिक्योरिटी रीजन से। आपको वहां तक अगर कोई पहुंच गया, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, लेट मी कंप्लीट, अगर आप वहां तक पहुंच गए तो कोई भी यूजर को अगर अप्रोच दे दी गई कि वो एसक्लाइड डेटाबेस तक पहुंच जाए, तो वो सिस्टम की जो सिस्टम टेबल्स हैं उनके साथ भी वो इंटरफेयर कर सकता है, लेआउट बदल सकता है, और जो आपके इंटरनल स्टोरेज हो रहे हैं लाइक कॉन्टैक्ट नंबर्स और जो चीजें स्टोर होती हैं आपके एसक्लाइड डेटाबेस में वो भी डिस्टर्ब हो सकती हैं। तो इसलिए एंड्रॉइड ने सिक्योरिटी रीजंस की वजह से आपको डायरेक्ट एक्सेस अलाउड नहीं दिया। आपको जितना यूज करना उतना यूज करिए, यू वॉन्ट टू क्रिएट योर ओन टेबल करिए, यू वॉन्ट टू पुट योर डेटा वो करिए, लेकिन और टेबल्स को आप एक्सेस नहीं कर सकते। या टेल मी अलग अलग, हाँ तो आपको बस इसे कॉपी करके आदमी पेस्ट कर लेता है। भाई आप हर एक डेटा को एक्सेस करने के लिए क्वेरी लिखते थे सिलेक्ट एस्टिक फ्रॉम ईएमपी, वैसे ही आपको टेबल क्रिएट करने की भी क्वेरी लिखनी। जब हम इसे यूज करते हैं, मैं आपको बता दूं एक चीज, ये है देखो माई एसक्यूएल प्रोग्रामर 1 2 3 4 5 एट द रेट, ये हमारा एक मिनट लेकिन पासवर्ड हमने, ये है माई एसक्यूएल, ये आपका माई एसक्यूएल है, शो डेटाबेसेस, ये आपके डेटाबेसेस हैं। तो यहां पर आप इस टाइम पर हैं माई एसक्यूएल कमांड प्रॉम्प्ट पे। अब यहां पर आपको सारा काम, यू हैव टू डू ईच एंड एवरीथिंग मैनुअली। यहां कोई आपको विंडोज लेआउट नहीं दिखाई दे रहा है, यहां सारा काम आपको खुद से करना है, नंबर वन। नंबर टू, अगर आप ओरेकल इंस्टॉल करें तो वहां भी सारा काम आपको मैनुअली करना है, वहां आपको विंडोज लेआउट नहीं दिखता। हाँ, इसका विंडोज लेआउट है जिसको हम लोग कहते हैं वर्क बेंच। सुना है कभी वर्क बेंच का नाम? तो वर्क बेंच के थ्रू आप विंडोज एनवायरनमेंट में क्रिएट कर सकते हैं, बट द बेस्ट प्रैक्टिस इज दैट कि क्वेरी आपकी इसी से क्रिएट हो। ओके, नाउ कमिंग बैक, तो डेटाबेस क्रिएटेड एंड टेबल सेटअप, ये दो काम हो गए। अच्छा, अब आप यहां आ जाइए। यहां आने के बाद में सबसे पहला काम आपको इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो जब आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तभी तो आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और जब आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तभी आपका डेटाबेस क्रिएट होगा। यस, तो जस्ट आई वॉन्ट टू डीबी मैनेजर, आपको एक्सेस मिल रहा है, एंड डीएम इज इक्वल टू न्यू, नॉट इज क्रिएटिंग एरर, और इसको हम ऊपर ले लें इससे तो ज्यादा बेटर होगा। अब एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि आपको कॉन्टेक्स्ट पास करना होगा। तो कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है कि जिस एक्टिविटी में हम हैं उसका रेफरेंस पास कर देते हैं बस। तो जैसे ही आप उसका रेफरेंस पास करेंगे तो वही रेफरेंस आपका कॉन्टेक्स्ट में स्टोर हो जाएगा। इस दिस का मतलब है दिस कंप्लीट एक्टिविटी रेफरेंस। अच्छा, अब हम यहां पे आ गए, अब कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि एडिट टेक्स्ट, क्योंकि हमें डेटा स्टोर भी करना है, तो एडिट टेक्स्ट ई आई डी, ई आई डी कॉमा ई नेम कॉमा ई सिटी कॉमा ई सैलरी, ये बन गया।
और कुछ और करने की जरूरत नहीं, अभी तो कुछ और करने की जरूरत नहीं है। हाँ, इनको असाइन कर दें, ईई आई डी इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाई आई डी आर डॉट आई डी डॉट एम्प्लॉय आई डी एंड ईई नेम इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाई आई डी आर डॉट आई डी डॉट ई एम पी नेम। ये डेटा को फेच करने के लिए, जब तक हम डेटा फेच नहीं करेंगे तब तक हम स्टोर नहीं कर सकते। ई सिटी इज इक्वल टू फाइंड आई डी आर डॉट आई डी डॉट ई सिटी एंड ई सैलरी इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आई डी आर डॉट आई डी डॉट। ठीक है, हमारा 70% काम हो गया। अब एक काम और करेंगे हम यहां पर, ऑन क्लिक इंसर्ट रिकॉर्ड और इस पर राइट क्लिक करेंगे, शो कॉन्टेक्स्ट एंड क्रिएट। यह अब यहां बहुत ध्यान से हमको देखना है, बहुत ध्यान। सबसे पहले एक ई आई डी, मतलब आपकी एम्प्लॉय आई डी ई आई डी में आएगी, और ई सैलरी इसमें आएगी, और उसके बाद स्ट्रिंग में क्या क्या आएगा, स्ट्रिंग में आएगा आपका ई नेम और ई सिटी, राइट। अब डेटा को हमें इसमें रखना है, तो ई आई डी इज इक्वल टू ई आई डी डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, लेकिन इतना जरूरी नहीं है क्योंकि हमको इंटीजर में लेना है। तो पहले हमने एडिट टेक्स्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा, अब उसके बाद इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, इंटीजर डॉट पार्स इंट, आपको मालूम है जावा पढ़कर आ रहे हैं आप, और यहां पर आपने इसे ब्रैकेट में, अब एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि यहां पर आपने जो डेटाबेस है उसमें जो फील्ड रखी है वो इंटीजर रखी है, और जो डेटा आपका एडिट टेक्स्ट से आता है वो सबसे पहले एडिट टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है, फिर हम उसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, और फिर स्ट्रिंग से हम इंटीजर फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, तब जाकर के वो यहां पर स्टोर होगा। अब उसके बाद ई नेम के लिए कोई बहुत ज्यादा चैलेंज नहीं है, ई नेम इज इक्वल टू ई नेम डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, ये आ गया। अब ई नेम के बाद क्या लेना है, ई सिटी, ई सिटी इज इक्वल टू ई सिटी डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, और एक सैलरी लेनी, तो सैलरी के लिए ई सैलरी इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्सेंट ई सैलरी डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, परफेक्ट। ये वो डेटा है जो हमें टेबल में इंसर्ट करना है, आई वॉन्ट टू इंसर्ट इन साइड टेबल, तो इस डेटा को हम टेबल के अंदर इंसर्ट करेंगे। सारा डेटा हमने निकाल लिया, अब निकालने के बाद हम जल्दी से क्वेरी फ्रेम कर लेते हैं क्यू, एंड क्यू इज इक्वल टू इंसर्ट इनटू टीबीएल अंडरस्कोर एम्प्लॉय, हमारी टेबल का नाम था टीबीएल अंडरस्कोर एम्प्लॉय, आपको याद होगा, ये देखो है ना, ओके। और वैल्यूज इसमें क्या लेनी है, सिंगल कोट्स डबल कोट्स प्लस प्लस डबल कोट्स सिंगल कोट्स, ठीक है, याद आया, ASP.NET, और बीच में हम लिखेंगे क्या, EID, कॉमा, सिंगल कोट डबल कोट्स प्लस प्लस डबल कोट्स सिंगल कोट्स, और EID के बाद क्या लेना था, EID के बाद था एम्प्लॉय नेम सिटी एंड सैलरी, तो एम्प्लॉय नेम ई नेम
कॉमा सिंगल कोट डबल कोट्स प्लस प्लस डबल कोट्स सिंगल कोट्स ईस्ट सिटी कॉमा डबल कोट डबल कोट्स प्लस प्लस डबल कोट्स सिंगल कोट्स एंड ई सैलरी। क्वेरी आपकी बन गई। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट तुमको नोटिस करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट तुमको एक चीज नोटिस करनी है। सर ये वाला कंस्ट्रक्टर तो कॉल हुआ, दैट वी अंडरस्टैंड। कंस्ट्रक्टर कहां से कॉल हुआ? आपने ये ऑब्जेक्ट बनाया था ना, तो इससे आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। होप यू अंडरस्टैंड कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। तो जब कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो डेटाबेस तो क्रिएट हो गया, ये आपको पूछना है। बट ऑन क्रिएट फंक्शन इज नॉट कॉलिंग फ्रॉम एनीवेयर, तो जब तक ऑन क्रिएट फंक्शन कॉल नहीं होगा तब तक ये टेबल कैसे क्रिएट होगी? कैन यू प्लीज कंफर्म? कैन यू प्लीज कंफर्म? बहुत ध्यान से। अब जो लिखने जा रहे हैं, सॉरी ये वो फंक्शन, हाँ ये एक ही बार कॉल होगा, ये बात सही है। ठीक है, तो अब हम आते हैं मेन एक्टिविटी के अंदर, और यहां पर बहुत ध्यान से देखना द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन आई एम गोइंग टू। इस लाइन को कहा जाता है सिंगल फेयर डबल जर्नी। जर्नी अंडरस्टैंड, मतलब एक ही टिकट आपने लिया और आप उसी से जले भी जाएंगे दिल्ली और वहां से वापस भी आ जाएंगे। इसको कहते हैं सिंगल फेयर डबल जर्नी। अब देखो एक मिनट, यहां पर हम लिखने जा रहे हैं एस्क्लाइट डेटाबेस डीबी इज इक्वल टू डीएम। डीएम डीएम क्या था हमारा? सर डीएम आपने ऑब्जेक्ट बनाया था यूजर डिफाइन क्लास का, तो डीएम डॉट गेट राइटेबल डेटाबेस। ये क्लास क्या करता है? बस पूरा डेटाबेस आपके समझ में आ जाएगा, मैंने कहा ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस क्लास के दो काम है। पहला काम ये है कि ये टेबल के अंदर डेटा को राइट और रीड, इसे राइटेबल पे मत जाओ, राइट और रीड दोनों की परमिशन ग्रांट करता है। रीड द डेटा एज वेल एज राइट द डेटा, दोनों के लिए ये क्लास रिस्पॉन्सिबल है। बट इससे पहले एक काम और करता है, ये मैंने पढ़ा है, अंडरस्टैंड, ये मैंने स्टडी की है, तो उससे ये बात निकल के आ गई। इंटरनली आई एम राइटिंग हियर, इंटरनली इट विल कॉल द ऑन क्रिएट method of esclite helper class। understand internally पहले ये on create method, सर इसको कैसे मालूम कि आपने on create method बनाया है? हमने on create नहीं बनाया है, we have not created on create method। on create को हमने, can you please confirm, on create को हमने override किया है। understand, तो इसको मालूम है, he knows that, जैसे मान लिए कि आपको मालूम है कि आपको lab number 601 में जाना है, अब उसके अंदर क्या चल रहा है ये management decide करेगा कि उसमें जावा की क्लास चल रही है पहले, कि डेटाबेस की चल रही है, कि ASP.NET की चल रही है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। बट यू हैव टू आइडेंटिफाई वन थिंग कि आपको 601 लैब में जाना है। तो इसको सिर्फ एक आइडेंटिफिकेशन है कि ये ऑन क्रिएट मेथड कॉल करेगा, ऑन क्रिएट मेथड कॉल करेगा, उसके अंदर क्या हो रहा है उसको इससे मतलब नहीं। कैन यू प्लीज कंफर्म?
बात समझ में आ रही? प्लीज अंडरस्टैंड द कंप्लीट हायरार्की, ठीक है? अच्छा, अब हमारा ऑन क्रिएट मेथड कॉल हो गया। अब एक चीज और है, ऑब्जर्वेशन वाइज मैंने इसको भी पढ़ा है। जब ऑन क्रिएट मेथड कॉल होता है तो इसका कोड रिकॉग्निशन चलता है। कोड रिकॉग्निशन का मतलब यह है कि क्या उसमें कोई न्यू एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, क्या ओल्ड एक्टिविटी है। अगर ओल्ड एक्टिविटी है जो ऑलरेडी परफॉर्म हो चुकी है तो ये फिर उसको परफॉर्म नहीं करेगा, और अगर वो एक्टिविटी पहले से नहीं परफॉर्म हुई है, जस्ट आप 601 में गए और 601 में आपने देखा कि जावा की क्लास चल रही है, बट वहां पर जो जावा की क्लास चल रही है वो एक रिवीजन क्लास है एंड यू हैव ऑलरेडी अटेंडेड दैट क्लास, तो आप दोबारा उसको अटेंड नहीं करेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप दोबारा उसको अटेंड नहीं करेंगे, अब सीधे बाहर आ जाएंगे। तो पहले ये देखता है कि क्या इस नाम की टेबल क्रिएटेड है। अगर इस नाम की टेबल क्रिएटेड नहीं है तो इमीडिएटली वो क्रिएट कर देगा, लेकिन दोबारा जब आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो दोबारा टेबल क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो फिर ये क्या करेगा कि टेबल तो क्रिएटेड है तो ये दोबारा उसको ओवरराइट नहीं करेगा, जस्ट लीव इट, उसको छोड़ देगा। अंडरस्टैंड? दिस कॉल्ड कोड रिकॉग्निशन। समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, अब यहां पर हमको राइटेबल डेटाबेस का ऑब्जेक्ट मिल गया, तो अब डीबी डॉट एग्जीक्यूट, किसको एग्जीक्यूट करना है? क्यू को, क्यू को एग्जीक्यूट कर लिया हमने और क्यू में हमारी क्वेरी है। तो जैसे ही आप एग्जीक्यूट करेंगे, बस यहां पर टोस्ट, देखो आज टाइम पता नहीं चलता है, टोस्ट सेकंड वाले को, और यहां पर आप मैसेज लिख दीजिए रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली, बट आज आप देख नहीं पाएंगे, ठीक है? अच्छा, एक चीज और, आप चाहें तो मैसेज तो आ ही जाएगा, बट हम चाहते हैं कि एक छोटा सा सबके बाहर एक टेक्स्ट व्यू ले लें, और टेक्स्ट व्यू लेने के बाद में मैच पैरेंट या विद ले लें, इसकी विद ले लेते हैं 200 डीपी, एक मिनट 400, परफेक्ट, और हाइट ले लेते हैं इसकी 40 डीपी, और यहां पर हम एक मिनट बस मार्जिन टॉप 40 डीपी, मालूम है ना क्या कर रहे हैं हम लोग? डू यू नो दैट क्या कर रहे हैं? ओके, इस पर हम मैसेज डिस्प्ले करा देंगे कि रिकॉर्ड इज इंसर्टेड, क्योंकि हो सकता है कि वो मैसेज आए और चला जाए और आप देख ना पाए, तो हम कन्फर्म मैसेज एक परमानेंट मैसेज डिस्प्ले करा रहे हैं। और इसमें कर लेते हैं ग्रेविटी सेंटर, बिल्कुल सेंटर में आ गई, और यहां पर एंड टेक्स्ट साइज इज इक्वल टू 22 डीपी, और टेक्स्ट की भी ग्रेविटी सेंटर करने बेटर लगेगा, और यहां पर टेक्स्ट कलर बहुत इजी हो जाएगा। एक मिनट, हम लोगों ने ऑलमोस्ट कर लिया है, और यहां पर इस जगह पर एक कस्टम कलर में ये वाला कलर लेते हैं, थोड़ा सा डार्क कलर में, और अब उसके बाद में दैट्स फाइन, एब्सोल्युटली फाइन, और ये दिखाई नहीं देगा, ठीक, क्योंकि जब तक इसमें मैसेज नहीं आएगा तब तक ये दिखाई नहीं देगा। और यहां पर आईडी कर लेते हैं टीवी मैसेज। अब दो काम आपको मालूम, सबसे पहला काम तो आपको यहां पर करना पड़ेगा टेक्स्ट व्यू एंड टीवी मैसेज, पूरा लिख लिया हमने, और यहां पर टीवी मैसेज इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी एंड आर डॉट आईडी डॉट टीवी मैसेज, बस अब कोई प्रॉब्लम नहीं, बस यहां पर आपने क्रिएट कर लिया, और आप यहां पर टीवी मैसेज डॉट सेट टेक्स्ट रिकॉर्ड इंसर्टेड। ओके, कहीं पर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसे देखें। अब
फाइनल टेस्टिंग के लिए हम जा रहे हैं, ओके। और फाइनल टेस्टिंग के लिए हम जा रहे हैं, इसको हम दो बार रन करेंगे, टाइम थोड़ा हो रहा है लेकिन हमें काम पूरा करना है। ये एक बात का ध्यान रखिएगा, प्रिकॉशन, आपकी प्राइमरी आईडी जो है वो प्राइम को, सॉरी, जो आपकी एम्प्लॉय आईडी है डेट इज द प्राइमरी आईडी, प्राइमरी की। तो पहला रिकॉर्ड अगर आपने 101 का दिया, अगर आपको दूसरा रिकॉर्ड दे दिया दोबारा, तो आपकी एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगी इमीडिएटली। तो उसके लिए भी हम संविधान बनाएंगे। ओके, ठीक है। सो मैं रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूं, आपको ग्रुप में भेज रहे हैं आराम से आपके सेटिस्फैक्शन के लिए। देखिए, दो चीजें हमें सही करनी है इसके अंदर, क्योंकि वो तो रनिंग पे ही होती है सही। पहली चीज हमको सही करनी है, पहली चीज इसके अंदर डिजाइन में आई है, और यहां पर इंटर एम्प्लॉय सैलरी सब में नाम ही आ रहा है, और सिटी सिटी यहां पर आप क्लिक कर दीजिए, नेम आ रहा है यहां पर, इसकी जगह पर इंटर एम्प्लॉय सिटी, पहली चीज। दूसरी चीज, सैलरी में आपको नंबर नहीं मिल पा रहे, तो यहां पर आपने इनपुट टाइप ये कर लिया आपने, ठीक, नॉट एब्सोल्युटली फाइन, ये दोनों चीजें होंगी, और तो कुछ नहीं होना है। हाँ, और तो कुछ नहीं होना, बाकी सब चीजें तो हमने इसके अंदर बिल्कुल बराबर सही कर ली है। अब इसको आपके सामने भी एक बार रन करा के दिखा देते हैं, पिक्सल 2 एपीआई में करके देखते हैं, एमुलेटर डाउनलोड हो रहा है। जब तक आप कुछ लिखना चाहें, कुछ पूछना चाहें, करूं क्या करूं, आ रहा है एमुलेटर, आ रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आ गया, कनेक्टिंग टू द एमुलेटर, एमुलेटर पर पूरा रन करा के हम दिखा रहे हैं। थोड़ा सा इसको इंक्रीज कर लेते हैं, इसको अभी भेजेंगे, पहले ही कंप्लीट हो जाए, या तो आ रहा है। Now ask the question. See, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, बस एक मिनट, 102। अब देखो ऑटोमेटिक आ गए नंबर, यहाँ पे ऑटोमेटिक नंबर आ गए, वो थोड़ा स्लो है प्रोसेस, क्योंकि एमुलेटर पे है ना, जब हम नीचे जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपकी कीपैड चेंज हो रहा है। सिटी लखनऊ टाइप कर रहे हैं, देखो ऑटोमेटिक चेंज हो गया पैड, 80,000 आप टिक लगा दीजिए। जैसे ही आप टिक लगाएंगे, आपको इंसर्ट रिकॉर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, देखो
ये हाइट, अंडरस्टैंड। अब ये डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड चला दिया, कल इसे हम व्यू करेंगे। हाँ, अब तुम बताओ क्या पूछ रहे थे। नहीं, डेटाबेस एक ही है, टेबल दो हैं, या दो डेटाबेस हैं, दो टेबल हैं? नहीं सर, डेटाबेस एक है, टेबल दो। 1 मिनट। सो आफ्टर रीडिंग, सॉरी, आफ्टर राइटिंग द रिकॉर्ड्स इनटू द डेटाबेस, नाउ the next step is to read the record from database and display on a screen. Okay, so what are the basically step to read the data? Listen, first of all we have to understand one diagram, how the data will be fetched from the database and display. This is my SQLite database. Try to understand. SQLite database, which is containing some data. Data will be fetched on the basis of query. We know that. So we have to write a query. Query, SQL query. इस query की help से हमारा data database से get होगा, ठीक है? अब get करने के बाद उसे कहां पर और कैसे place करना? This is very important. This is very very important. How to place that data? ओके, तो सबसे पहले जो हमारा बेसिकली मेन ऑब्जेक्टिव है वो डेटा को डेटाबेस से फेच करना, और फेच करने के बाद इसे हमें कहीं पर प्लेस करना। तो हाउ टू प्लेस दैट डेटा, तो सबसे पहली स्टेप जो है प्लेसिंग ऑफ डेटा के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए। नंबर वन, वी नीड एन एरे लिस्ट। ये आपकी java.util के अंडर में आती है, तो हम एरे लिस्ट को, आप साथ ही साथ मेरे डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। एरे लिस्ट एक डायनेमिकली ग्रो क्लास है, जितना भी चाहे इसमें हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सबसे पहले हमने एरे लिस्ट ली, अंडरस्टैंड? ओके, बट बात यहां पर यह है कि जो डेटा हम लोग लेते हैं, मतलब जो डेटा हम लोग फेच करते हैं, और फेच करने के बाद में सबसे पहले वो डेटा कर्सर में आता है। कर्सर क्या है? कर्सर एक क्लास है, एंड द क्लास कर्सर इज यूज टू स्टोर द डेटा which is coming from database. Abhi iska role hai, but before that I want to discuss one thing, cursor. And cursor hold the data which is coming from database. To sabse pehle ye diagram aapko samajhna important hai. This is very important. अब कर्सर में हमारे पास डेटा आ गया है। अब कर्सर में डेटा आया है या नहीं आया है, यहां पर दोनों बातें हैं, ठीक है? मे बी यस और मे बी नो।
नो उस केस में जब स्पेसिफिक क्वेरी जो हमने दी है उसके अगेंस्ट में डेटा डेटाबेस में अवेलेबल नहीं है. तो इफ द डेटा इज नॉट अवेलेबल इन द डेटाबेस देन डेफिनेटली कर्सर विल बी एम्प्टी. कर्सर का काम होता है जो डेटा आ रहा है डेटाबेस से उसको अपने में कंटेन करना. ये कंटेन कर लेगा. किस केस में? अगर डेटा हुआ, इफ डेटा अवेलेबल है, इफ डेटा इज अवेलेबल, देन इट विल कंटेन. अदरवाइज द कर्सर विल बी एम्प्टी. सो वी विल डिस्प्ले द एप्रोप्रिएट मैसेज हियर. मैसेज विल बी डिस्प्ले. ओके, मैसेज विल बी डिस्प्ले लाइक नो डेटा इज अवेलेबल. अंडरस्टैंड? कितनी बात समझ में आएगी? अब हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे पास डेटा आ चुका है. तो अगर डेटा हमारे पास आ चुका है, वी हैव द डेटा, देन we have to place this data in the array list. और array list से data हम लोग कहां पे transfer करेंगे? array adapter. One minute. Adapter. Array adapter. जब हमारा डेटा एरे अडेप्टर में आ जाएगा सो दिस एरे अडेप्टर कैन बी बाइंड विथ लिस्ट. ओके, और लिस्ट बेसिकली एक कंट्रोल है जिससे हमारा डेटा स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा. अगर हम इसको अपने प्रीवियस एग्जांपल से कंपेयर करें, कंपैरिजन जो हमने अभी कुछ दिन पहले एक एग्जांपल किया था जिसमें हम अपना डेटा ड्रॉपडाउन लिस्ट में और लिस्ट में डिस्प्ले कर रहे, उसमें ये जो एरे लिस्ट थी वो हमारी एक स्ट्रिंग एरे थी. That was a string array. और string array हमारा as a data source काम कर रहा था और हमने इस string array में data manually feed किया था. उसके बाद हमने इसको array adapter में लिया और array adapter से हमने इसको list में लिया था, अगर हम previous example की बात करें. But यहाँ पर थोड़ा सा बस change है. String array की जगह पर हमने एक array list ले लिया. उसका रीजन ये है कि अगर डेटा हमारा इंटीजर में भी हुआ तब भी वो बाइंड हो जाएगा एरे लिस्ट में, और अगर स्ट्रिंग में हुआ तो भी बाइंड हो जाएगा, फ्लोट हुआ तो भी बाइंड हो जाएगा. अब प्रॉब्लम ये है कि एरे लिस्ट में डेटा कहाँ से आए? तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेज होती है, फर्स्ट स्टेज, जब भी हम कोई डेटा गेट करते हैं डेटाबेस से तो जो फर्स्ट स्टेज होती है वो कर्सर होती है. कर्सर इज द क्लास स्पेशली डिजाइंड, कॉपी पे लिखिए, स्पेशली डिजाइंड फॉर द डेटाबेस इंटरेक्शन. सर ये क्यों नहीं कर सकते? नहीं, इनका इंटरेक्शन डेटाबेस के साथ नहीं बना है, ना ये कर सकते हैं. मींस दीस क्लासेस आर नॉट कंपैटिबल विद द एसक्लाइड डेटाबेस. तो एसक्लाइड डेटाबेस से बात करने के लिए, जैसे मैंने कहा कि उनसे कौन बात करेगा, ठीक है, हु विल टॉक टू द सीएम और पीएम, हर आदमी तो नहीं बात कर सकता. सो देयर इज अ पर्सन डेडिकेटेड अपॉइंटेड जो कि सीएम से इंटरेक्ट कर सकता है. इसको पावर्स हैं, अथॉरिटीज हैं, इसको मालूम है कि कैसे बात करनी, ठीक है, ये बात करेगा. अब ये बात करने के बाद अपनी बात को पब्लिकली डिलीवर कर सकता है. मान लो इसने डीएम को डिलीवर किया और डीएम ने इस बात को एक ऑथराइज्ड पर्सन को डिलीवर करा,
जो कि पूरी कंट्री को या न्यूज चैनल को डिलीवर कर दिया और न्यूज चैनल ने पब्लिक को डिलीवर कर दिया. दिस इज बेसिकली द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ गेटिंग द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस एंड डिस्प्लेइंग ऑन स्क्रीन. कैन यू प्लीज कंफर्म? अब सब चीजें मेरे सामने. हाँ, लेकिन ये वो मीडिएटर है जिसका डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन है और ये वो मीडिएटर है जो एरे लिस्ट से ले सकता है डेटा या स्ट्रिंग से ले सकता है डेटा, बट दिस कैन नॉट बी डायरेक्टली टेक फ्रॉम द कर्सर. हाँ, ये एक्चुअली व्यू ये नहीं करा रहा है, व्यू ये करा रहा है लिस्ट, बट ये एक मीडिएटर है डेटा सोर्स और व्यू के बीच का. एंड कर्सर इज द मीडिएटर बिटवीन द डेटाबेस एंड एरे लिस्ट और एनी डेटा सोर्स. अब सुनो मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट है. एरे एडेप्टर इज अ मीडिएटर बिटवीन द डेटा सोर्स एंड व्यू एंड कर्सर इज अ मीडिएटर बिटवीन द डेटाबेस एंड योर डेटा सोर्स. अलग अलग क्लासेस अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम कर रहे हैं. ये जब हम कोडिंग करते हैं तो ये एक एक लाइन में सब क्रिएट हो जाते हैं तो पता नहीं चलता, बट वी शुड नो दैट द फ्लो, हमें फ्लो समझना जरूरी. ओके, अंडरस्टैंड शिवम? डू यू अंडरस्टैंड? सो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट में आना है. ये हमारा सेंट्रलाइज डेटाबेस क्लास है जो हमको कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है और इसी में टेबल भी है. दिस इज माय मेन एक्टिविटी डॉट जावा और ये हमारा डिस्क है और हमने स्प्लिट कर लिया और यहां पर हमारे पास जो दूसरा बटन है, दिस इज द अनदर बटन. इसमें हमने इंसर्ट रिकॉर्ड की जगह पर डिस्प्ले रिकॉर्ड कर लिया. व्हेन आई विल क्लिक ऑन दिस बटन, लेआउट ग्रेविटी इज इक्वल टू सेंटर. ये थोड़ा श्रिंक होकर बीच में आ गया, नॉट इज लुकिंग ग्रेट. तो अब इस पर एक ऑन क्लिक फंक्शन बनाएंगे हम लोग, डिस्प्ले रिकॉर्ड. इट्स अ फंक्शन, तो इस फंक्शन को बॉडी देनी है शो कॉन्टेक्स्ट क्रिएटेड डिस्प्ले इन द व्यू ऑफ द मेन एक्टिविटी डॉट जावा. मतलब इस नाम से एक फंक्शन जावा फाइल में क्रिएट कर दो. बन गया, नाइट्स फाइन, नो प्रॉब्लम. ओके, अब इस फंक्शन का यूज अभी नहीं हो सकता क्योंकि इस फंक्शन का यूज हम करेंगे दूसरी एक्टिविटी पे मूव करने के लिए. वी हैव टू मूव टू अनदर एक्टिविटी फॉर डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स. तो अभी वो एक्टिविटी तो क्रिएटेड नहीं है जिस पर हमें जाना है क्योंकि उसके रेफरेंसेस देने होंगे यहां पे इंटेंट में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्रिएट दैट एक्टिविटी. तो प्रोजेक्ट एंड एपीपी राइट क्लिक, लेट मी चेक द रिकॉर्डिंग वंस अगेन. या तो एपीपी राइट क्लिक एंड न्यू एक्टिविटी एंड एम्प्टी एक्टिविटी नेम डिस्प्ले रिकॉर्ड्स activity. ठीक है, meaningful name should be there so it will be understand to locate. ढूंढने में आसानी होगी. Okay, one minute. It will take some gradual process. Thank you.
one minute. It's taking some time in Gridl. Processing is taking some time. Okay. And after doing this all processing, we can design this activity, display records activity. Isse hum design karenge. That's fine. Up. Code split. Fine. तो सबसे पहले इसका हम लेआउट चेंज कर लें फ्रॉम द कंस्ट्रेंट टू लीनियर लेआउट. दैट्स फाइन. एंड द पैडिंग फिफ्टीन डीपी. Then a text view. Text view with the match parent ताकि ये पूरी स्क्रीन को ऑक्यूपाइड कर ले. And height 40 dp. And text record display. Record display and text size 22 dp and gravity is equal to center and text color dark green. Fine. If you want to do the background, then हाँ ग्रेडियंट बन जाएगा. कई कलर के कॉम्बिनेशन से बना सकते हैं. नो प्रॉब्लम. ट्राई कीजिएगा. दो कलर के कॉम्बिनेशन से पहले ट्राई कीजिएगा, फिर उसके बाद मल्टी कलर ग्रेडियंट देखेंगे. क्योंकि उसमें आरजीबी के फॉर्म में पास करते हैं तो तीन ग्रेडियंट तो आप बना ही सकते हैं, रेड ग्रीन ब्लू. और उसके बाद कर सब कुछ सकते हैं इसमें. ठीक, बस थोड़ा अलग अलग तरीके हैं उसको करने के. अब यहाँ पर एक लिस्ट कौन सा. हाँ मल्टी. हाँ नहीं मैं बता दूंगा आपको वर्टिकल. ठीक है. अब यहाँ पर इसकी विड्थ तो हम मैच पैरेंट कर लेते हैं और हाइट जो है वो रैप कंटेंट करेंगे. तो जैसे जैसे हाइट, ये देखिए आपकी पूरी लिस्ट आ गई नीचे. और यहाँ पर मार्जिन टॉप 20 डीपी थोड़ा नीचे आ गया. ओके फाइन, इतना हमने देख लिया. अब यहाँ पर एक नीचे हियर एक बटन हमें बनाना है वापस होम पेज पे जाने के लिए. बटन और एक मिनट, इसकी हाइट कितनी रखी है हमने. लिस्ट की
हाइट रैप कंटेंट रखी है, हाँ ठीक है, तो दिखाई देगा। और बटन की विद, सॉरी यहां पर मैच करंट और हाइट 40 dB, एक्चुअली वो स्क्रॉलिंग में आ जाएगा, अभी नहीं दिखाई दे रहा है बट आ जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। अभी हम इसको टेस्ट भी कर लेंगे। एंड टेक्स्ट इज इक्वल टू होम, मतलब वापस होम पे जाने के लिए ये किया गया, ओके, क्योंकि पूरा लेआउट ऑक्यूपाइड कर रही है लेकिन अभी स्क्रीन को स्क्रॉल करेगी। अभी मैं देखता हूँ, और यहाँ पर ऑन क्लिक इज इक्वल टू डिजाइन करना है। अब हम अभी दो फंक्शन डिजाइन कर लेते हैं, ठीक है। पहला फंक्शन ये है कि मेन एक्टिविटी जावा से, अब क्योंकि हमारी क्लास क्रिएट हो चुकी है तो हम यहाँ पर इंटेंट ले लेंगे। इंटेंट आई इज इक्वल टू न्यू इंटेंट एंड गेट गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट एंड कॉमा, कौन सी एक्टिविटी पर आपको जाना है, हमें जाना है डिस्प्ले रिकॉर्ड एक्टिविटी डॉट क्लास, सेमीकोलन, और इसको रिजॉल्व कर लेते हैं, रिजॉल्व हो गया। और उसके बाद स्टार्ट एक्टिविटी और आई, अब इससे क्या होगा, वेन द यूजर विल क्लिक ऑन डिस्प्ले रिकॉर्ड्स, इमीडिएटली कंट्रोल हमारा डिस्प्ले रिकॉर्ड्स एक्टिविटी पे मूव कर जाएगा, डिस्प्ले रिकॉर्ड्स एक्टिविटी पे मूव कर जाएगा इस एक्टिविटी। अब इस एक्टिविटी के होम पेज पर जब क्लिक करेंगे तो वापस में होम एक्टिविटी डिस्प्ले करनी है जिसका नाम है मेन एक्टिविटी डॉट जावा। तो हम इतना कॉपी कर लेते हैं, पहले इन दोनों पेजेस के बीच में एक लिंकिंग एस्टैब्लिश कर रहे हैं। तो अब यहां पर आ गए हम, हियर जस्ट राइट क्लिक, और राइट क्लिक करने के बाद शो कॉन्टेक्स्ट, एंड ये बन गया हमारा, ये फंक्शन है गो होम पे। तो हमने पूरा यहां पर पेस्ट कर लिया और बस ये पार्ट चेंज कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा मेन एक्टिविटी डॉट क्लास। अब ये दोनों पेज आपस में कनेक्टेड हो गए, पहले हम इतना टेस्ट कर लें फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो टेस्ट करने के लिए चलिए हम लोग डायरेक्ट एमुलेटर पे टेस्ट करें। हाँ, अच्छा ओके, आई शुड रन फर्स्ट ऑफ ऑल, तो रन करने के लिए आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन एलिमेंट, एमुलेटर पे रन कर रहे हैं इसको, अब रनिंग में जितना टाइम लगेगा, ठीक है, ओके। नाउ यू कैन सी दैट स्क्रीन सी, तो बेसिकली इन द यस्टरडे वी हैव टेस्टेड द रिकॉर्ड इज स्टोर्ड, बट टुडे आई वांट टू स्विच फ्रॉम दिस एक्टिविटी टू डिस्प्ले रिकॉर्ड, इट इज कमिंग परफेक्टली। अब ये जो आप देख रहे हैं कि होम ऊपर है क्योंकि अभी बीच में रिकॉर्ड्स नहीं है, व्हेन द रिकॉर्ड विल कम देन द लिस्ट विल बी ऑक्यूपाइड बाय द रिकॉर्ड्स, देन दिस बटन विल बी स्लाइटली डाउन, अंडरस्टैंड, एंड व्हेन आई विल क्लिक ऑन द होम पेज देन वी विल गो बैक टू द प्रीवियस एक्टिविटी, ओके फाइन। अच्छा अब एक काम और कर लेते हैं, जस्ट अ माइनर चेंज, सी होल्ड, और यहां पर जो हमने हेडिंग बनाई है इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो, मतलब थोड़ा बैकग्राउंड कलर थोड़ा डार्क रखना है, एक मिनट, आज हम ये एक्टिविटी अपनी कंप्लीट कर लेंगे तो यू डोंट वरी अबाउट दैट, चाहे जितना भी टाइम लगे बट वी विल कंप्लीट दिस एक्टिविटी टुडे ओनली। एंड बैकग्राउंड इज ओके, एंड टेक्स्ट कलर शुड बी व्हाइट, वन सेकेंड। अब जब आप यहां पर कुछ चेंजेस करते हैं
तो चेंजेस करने के बाद में आपको पूरी एक्टिविटी रन करने की जरूरत नहीं है, यहां पर आता है अप्लाई चेंजेस एंड रीस्टार्ट द एक्टिविटी। तो चेंजेस इमीडिएटली अप्लाइड हो जाएंगे, पूरी एक्टिविटी आपको रन करने की जरूरत नहीं। आई थिंक या दिस प्रोसेस ऑनगोइंग प्रोसेस है, अभी थोड़ा सा टाइम चल रहा लग रहा है। अप्लाई द चेंजेस सक्सेसफुली आ गया, नाउ जस्ट क्लिक ऑन द डिस्प्ले रिकॉर्ड्स, नाउ एब्सोल्युटली फाइन। अब थोड़ा सा डार्क कलर आ गया तो नॉट इज लुकिंग ग्रेट, ठीक है, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब होम पेज पे जाएंगे, नाउ वी कैन कम बैक टू द प्रीवियस एक्टिविटी, दिस इज एब्सोल्युटली फाइन। अब दोनों में कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश हो गई, नाउ द कनेक्टिविटी इज एस्टैब्लिश, ओनली व्हाट वी हैव टू डू, अब हमें रिकॉर्ड्स फेच करके स्क्रीन पर डिस्प्ले करना। ओके, तो इसके लिए हम लोग प्रोसीड करते हैं, जब तक के अपने एमुलेटर को हम लोग मिनिमाइज कर देते हैं, हाइड कर देते हैं। ओके, तो अब हमें क्या करना है, क्योंकि यूजर जैसे ही, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, तो यूजर जैसे ही डिस्प्ले रिकॉर्ड्स एक्टिविटी पर आए, उसको रिकॉर्ड डिस्प्ले होने चाहिए विदाउट एनी डिले, है ना, क्योंकि ऑलरेडी वो बटन प्रेस करके आ रहा है। आर यू गेटिंग? तो यहां पर हम लोग आ जाते हैं ऑन क्रिएट, ठीक है, आप लोग भी ऑन क्रिएट में आ जाइए, और ऑन क्रिएट में आने के बाद वी हैव टू डू समथिंग। तो सबसे पहला काम करेंगे यहां पर के लिस्ट व्यू, एक्चुअली लिस्ट व्यू को हमने आईडी नहीं दी है, क्यों, सरनेम आईडी नहीं दी हमने लिस्ट व्यू को, तो लिस्ट व्यू को आईडी दे देते हैं एंड आईडी एंड यहां पर एंड एलवी रिकॉर्ड, और आई थिंक और तो किसी चीज की जरूरत नहीं है, नहीं बिल्कुल अब जरूरत नहीं है, और यहां पर lv record is equal to find view by id and r dot id dot lst list record, lst records, okay, capital, ye ho gaya record one nahi, that's fine, ye kaam hamara ho gaya bilkul perfect, no problem, theek hai। acha wo jo aap animation ki baat kar rahe the, wo halka sa ek animation yahan par, matlab itna to hum de hi sakte hain, toast, और यहां पर हमने लिख दिया एंटरिंग इन अनदर एक्टिविटी सीटी, ठीक है। अब देखो यही यही वो पोजीशन है, सिर्फ हम पोजीशन डिफाइन कर रहे हैं जहां पर आप एनिमेशन प्लान करते हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि आपका एक टोस्ट मैसेज आएगा कि एंटरिंग इन द अनदर एक्टिविटी, और आप साथ ही साथ एक्टिविटी में मूव भी कर जाएंगे। अच्छा, इतनी बात आपने देखी, अब उसके बाद आपने ये देख लिया, अब यहां पर आप एक एरे लिस्ट ले लीजिए, नाउ यू हैव टू फॉलो द डायग्राम, एरे लिस्ट, और एरे लिस्ट बेसिकली जो है वो आपका टेम्पलेट है। तो यहां पर आपको ये बताना होगा कि आपको कौन सी, मतलब यहां पर आपको स्पेसिफाइड करना होगा कि कैसा डेटा आपको रखना। तो हम स्ट्रिंग ले लेते हैं क्योंकि स्ट्रिंग सब तरह के डेटा को सपोर्ट कर लेगी, एंड एल इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, न्यू एरे लिस्ट और ब्रैकेट्स आपस में, अच्छा ऑटोमेटिक जो है वो इंपोर्ट हो जाता है, तो आई थिंक हो गया होगा। ये देखिए, ये पैकेज बहुत इंपॉर्टेंट है, यूटिल, यूटिल के अंडर में आपका एरे लिस्ट आता है, तो आप चाहे तो यूटिल डॉट एस्ट्रिक कर लें, और अगर आपको सिर्फ स्पेसिफिकली एरे लिस्ट की रिक्वायरमेंट है तो आप खाली एरे लिस्ट कर लें। अंडरस्टैंड, राइट? अच्छा, अब आपको क्या चीज, मेरे मोड, मेरे में क्या है, डार्क मोड, हाँ हाँ डार्क, नहीं समझ, नहीं दिखाई दे रहा, नहीं नहीं, हाँ 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 नहीं, डार्क मोड इस बात को अलाउ करता है कि आप इसकी स्क्रीन कैसी रखना चाहते हैं, ठीक है। अब क्योंकि हमें डेटाबेस, क्योंकि हमें टेबल से डेटा को फेच करना है, एंड टेबल हैज बीन क्रिएटेड इन द डीबी मैनेजर क्लास, ना मैं आपको दिखा देता हूं, ये आपकी टेबल क्रिएटेड है। तो डीबी मैनेजर क्लास, जब भी आपको डेटाबेस तक पहुंचना है,
तो आपको डीबी मैनेजर क्लास के थ्रू ही पहुंचना होगा, और डीबी मैनेजर क्लास के थ्रू पहुंचने का मतलब है यू हैव टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ द डीबी मैनेजर क्लास। तो यहीं पर हम लोग बना लेते हैं। देखें पहले तो सबसे पहले देखो मिल रही है एक्सेबल, मिल रही है क्योंकि हमने ऐसी जगह पर बनाया है उसको कि वो मिले डीबी मैनेजर। और दिस क्योंकि आपको मालूम है कि दिस हमें इसलिए पास करना होता है क्योंकि जो हमारी करंट एक्टिविटी चल रही है उसका रेफरेंस वहां पास करना होता है ताकि जो भी रिकॉर्ड्स वगैरह डिस्प्ले हो वो करंट एक्टिविटी भी डिस्प्ले हो। ओके दिस हमने पास कर लिया। अब उसके बाद क्वेरी को रन करने के लिए एसक्यूएल डेटाबेस एंड डीबी इज इक्वल टू डीएम डॉट गेट राइटेबल। ये इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये क्लास जो है वो आपकी क्वेरीज को रन करने के लिए यूज किया जाता है। इफ यू वांट टू राइट समथिंग इन योर डेटाबेस टेबल एंड इफ यू वांट टू गेट समथिंग फ्रॉम द डेटाबेस देन द ऑब्जेक्ट ऑफ द एसक्यूएल डेटाबेस इज कंपलसरी। अब देखो ध्यान से, अब हम लोग एक ही बार में दोनों काम करेंगे एक ही बार, ठीक है। कर्सर पहले देखो कर्सर आ रहा है कि नहीं, कर्सर आ गया। देखो आगे देखो क्या लिखा हुआ है, कर्सर एंड्रॉइड डॉट डेटाबेस। देख रहे हो इसका मतलब है कि एंड्रॉइड के डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन डेवलप करने के लिए ये है। अंडरस्टैंड, ये इंटरफेस है, ठीक है, जो कि सिर्फ एंड्रॉइड के साथ डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन डेवलप करेगा। एंड सी इज इक्वल टू, आपको मालूम है कि हम इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते बट वी कैन टेक द रेफरेंस वेरिएबल। अब रेफरेंस वेरिएबल हमने बना लिया एंड db.raw query क्या है, जब आप कोई एक्टिविटी जैसे कि मान लो इंसर्ट नहीं करते, जब आप कुछ डेटा गेट करते हैं तो उसके लिए हम लोग रॉ क्वेरी का यूज करते हैं। अब रॉ क्वेरी के अंदर हम पास करेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टीबीएल अंडरस्कोर EMPLOYY एम्प्लॉय और कॉमा, और एक चीज आपको और डिफरेंट देखिए लिखना कैंसिलेशन सिग्नल। तो यहां पर आप नल कर दीजिए, तो जितने भी आपके डेटाबेस के साथ जब आप अपनी क्वेरी को रन कर रहे हैं तो सिर्फ इस क्वेरी के अकॉर्डिंग वो लुक आफ्टर करेगा, बाकी किसी भी चीज को और इन्वॉल्व नहीं करेगा बिकॉज देयर आर सो मेनी एक्टिविटीज आर रनिंग इन द बैकग्राउंड। तो अभी जब आपकी ये क्वेरी रन होगी तो सिर्फ फुल कॉन्सेंट्रेशन विल बी डन ऑन दिस क्वेरी एंड अदर एक्टिविटी लाइक द बैकग्राउंड प्रोसेसिंग विल बी स्टॉप फॉर टाइम बीइंग, मतलब जो अदर एक्टिविटीज हैं दैट विल बी स्टॉप। तो अब ये पूरी आपकी क्वेरी बन करके प्रिपेयर होगी। अब यहां पर कर्सर में आपका डेटा आ गया, अब आप एक काम करेंगे इफ c.getCount इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब यह है कि अगर मान लीजिए कि आपके कर्सर का काउंट जीरो के इक्वल है तो डेट मीन्स नो डेटा केम फ्रॉम द डेटाबेस, यानी कि कोई भी डेटा के डेटा पे आप यहां पर एक मैसेज डिस्प्ले कर दीजिए डेटा इज नॉट अवेलेबल, इज नॉट एवी अवेलेबल। यानी कि हम यहां पर सी हमने डेटा को रिक्वेस्ट किया और डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है नो के केस में, तो वी आर डिस्प्लेइंग द एप्रोप्रिएट मैसेज दैट द मैसेज विल बी डिस्प्लेड दैट डेटा इज नॉट अवेलेबल। हो जाएगा अभी ओके। अब नीचे आइए, एल्स का मतलब है कि डेफिनेटली आपको डेटा मिलेगा 100% मिलेगा। तो अब आप क्या करेंगे, व्हाइल एक लूप चलाएंगे c.move to next। ये लूप है सारे रिकॉर्ड्स पर विजिट करने के लिए, मतलब जितने भी रिकॉर्ड्स आपके कर्सर में आए हैं ईच एंड एवरी रिकॉर्ड विल बी विजिटेड। मूव नेक्स्ट मतलब एक एक रिकॉर्ड पर मूव करो। और क्या करेंगे हम लोग, ए लिस्ट आपने बनाई थी ना al.add एंड c.get string और जीरो। इसका मतलब है कि पहला रिकॉर्ड आपका al में एड हो गया, उसके बाद al.add और उसके बाद c, मतलब कर्सर से डेटा को रीड करो स्ट्रिंग फॉर्मेट में और साथ में दे दो 1। अंडरस्टैंड, तो पहला कॉलम का जो डेटा है वो भी आपका एरे लिस्ट में ऐड हो गया एंड al.add एंड c. अब एक चीज आपको ध्यान रखनी होगी,
क्योंकि जब भी आप कोई टेबल क्रिएट करते हैं तो कॉलम तो आपको स्पेसिफाइड होती हैं कि कितने कॉलम्स हैं। तो हमारी टेबल में अभी कितने कॉलम्स हैं, तो हमारी टेबल में कितने कॉलम्स हैं हम यहां से देख लेते हैं, एक दो तीन चार कॉलम, देयर आर फोर कॉलम्स, एक एम्प्लॉय आईडी, एक एम्प्लॉय नेम, एक सिटी एंड सैलरी। तो यहां पर टू दे देंगे और इसको कॉपी करके पेस्ट करके इसको थ्री कर, अंडरस्टैंड। अब हमारा सारा डेटा जो है वो एरे लिस्ट में आ गया, यानी हम कहां तक पहुंचे हैं, यहां तक। अब हमें एरे लिस्ट का डेटा एडाप्टर में लेना है, ओके? तो इसके लिए व्हाट वी हैव टू डू, एरे एडाप्टर, बाहर बाहर आउटसाइड द लूप, एरे एडाप्टर, AD is equal to new array adapter and this comma android dot r dot this comma oh sorry android should be small r dot layout dot simple drop down list comma। और कहां पर डेटा है, ड्रॉप डाउन लिस्ट का मतलब है कि एक के बाद एक रिकॉर्ड आ जाए, और AL में हमारा डेटा बस अब सिर्फ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। सबसे पहले एरे एडेप्टर हम जो बना रहे हैं वो करंट एक्टिविटी के लिए बना रहे हैं, तो वी हैव टू पास दिस। अब किस फॉर्मेट में डेटा को रखना है, ड्रॉप डाउन लिस्ट, तो सिंपल ड्रॉप डाउन लिस्ट इज कमिंग अंडर द लेआउट एंड लेआउट इज कमिंग अंडर द आर और आर कमिंग अंडर द एंड्रॉइड। मतलब ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनेगी, ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनेगी वो लेआउट पे बनेगी। लेआउट हमारा कहां है, वही XML फाइल, और कहां से डेटा को गेट करेगा, AL से। AL क्या है, AL में हमारा सारा डेटा स्टोर्ड है जो कि एक एरे लिस्ट। अब इस एरे एडाप्टर को बाइंड करना है किसके साथ, लिस्ट के साथ। तो द लास्ट एंड फाइनल स्टेप इज LST था, एक मिनट जरा सा चेक कर लेते हैं क्या था, लिस्ट ये था ना, LV रिकॉर्ड। तो LV रिकॉर्ड यहां पर लिखेंगे, LV रिकॉर्ड डॉट LV record dot set adapter AD. That's it. Now, अपने according तो हमने सारी चीजें बराबर लिख दी हैं, but only we have to test. अब इसे test करना। तो test करने के लिए I want to run the entire activity. I want to run the entire activity. Just one second. I want to run इन द एमुलेटर, एमुलेटर पे रन कर रहे हैं। Okay, terminate because the previous activity was running. Okay, now इसे हम लोग मोबाइल में भी टेस्ट कर लेंगे, बट अभी एमुलेटर्स आर वर्किंग प्रॉपरली एंड गेटिंग फास्ट, तो एक बार इस पर देख लेते हैं। ओके फाइन, नाउ हमने कल कुछ रिकॉर्ड और इंसर्ट किए थे, तो लेट मी क्लिक ऑन डिस्प्ले रिकॉर्ड्स। Thank you.
क्रैश कर रही है एक्टिविटी, क्रैश कर रही है एक्टिविटी. लेट मी चेक व्हाई दिस इज क्रैशिंग. अच्छा, तो कोई ऐसी बात तो है नहीं, मैसेज तो हमारा आया. ओके, सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम TBL underscore employee DB dot raw query. एक इस जगह पर एरर आई है एंड दिस इज अ वेरी मेन लाइन. द कर्सर शुड बी फ्रीड अप विद द क्लोज. अच्छा, ये तो उसके बारे में बता रहा इस लाइन. क्या करना पड़ेगा? वेट. एक मिनट, सबसे पहला काम तो हम चेक कर लें कि सबसे पहला काम तो ये चेक करें, 27 नंबर पर एरर आई है तो सबसे पहले तो ये चेक करें कि टेबल का नाम क्या है. डीबी मैनेजर में चल रहे हैं, वन मिनट. Only that was a mistake of table name, spelling mistake of the table name. तो अभी तो ठीक है, but why? एक मिनट. Total how many records? कितने records हैं? एक मिनट, क्या इसमें रिकॉर्ड्स दो ही थे या एक ही था? इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है. मालूम है क्या प्रॉब्लम आ रही है? अच्छा, अभी देखते हैं कि इसमें प्रॉब्लम आ क्या रही है. आई थिंक इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि मेरा फर्स्ट रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं हो रहा है. आर यू गेटिंग? फर्स्ट रिकॉर्ड इसलिए डिस्प्ले नहीं हो रहा है कि परहैप्स शायद हम, मैं समझ गया हूं क्या प्रॉब्लम है. ड्यू टू दिस कि हम नेक्स्ट रिकॉर्ड पे मूव कर गए, तो अगर हम नेक्स्ट रिकॉर्ड पे मूव कर गए अच्छा, just I'm doing some troubleshoot. क्रैश हो रही. अच्छा, इसका मतलब है कि बाय डिफॉल्ट कर्सर पहले रिकॉर्ड पे नहीं होता है. तो अगर बाय डिफॉल्ट पहले पे नहीं होता है तो सी डॉट मूव टू फर्स्ट. अब देखते हैं, हम पहले रिकॉर्ड पे मूव कर रहे हैं और पहले रिकॉर्ड पे मूव करने के बाद वो रिकॉर्ड हम डिस्प्ले कर रहे हैं. एंड आफ्टर दैट आई एम जस्ट मूविंग फ्रॉम फर्स्ट रिकॉर्ड टू सेकंड रिकॉर्ड. इसका मतलब ये है कि क्या एक ही रिकॉर्ड है टेबल के अंदर?
maybe. ओके नो प्रॉब्लम. तो फिर हम इसको रिमूव करते हैं एंड रिमूव करने के बाद में अभी अभी पता चल जाएगा. तो जस्ट आई वॉन्ट टू डू वन थिंग. होम तो है ही है हमारे पास, तो अब तो सारी एक्टिविटी स्क्रीन पर रन हो रही है और यहां पर हम दे देते हैं 103 एंड माहिरा. And city and salary insert record. Record inserted and display record. Perfect. आ गया. Are you there? Swarnim and Shivam. Perfect. Record is coming. Okay. एक चीज आपको और बता दें कि सानिया और लखनऊ के बीच में एक underline है जो कि दिखाई नहीं दे रही, अब दिखाई दे रही क्योंकि बहुत light थी. अगर आप इसको मोबाइल पर रन करेंगे देन डेफिनेटली यू विल गेट ऑल द लाइंस. आप सारा लाइन देख सकते हैं. अब आपके सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहे हैं प्रॉपर, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, आप चाहें तो हेडिंग के साथ डिस्प्ले कर सकते हैं. तो जहां पर आप रिकॉर्ड ऐड कर रहे हैं वहां पर एक एक हेडिंग भी आप ले सकते हैं. आईडी ऐसे मैं बताता हूं, एक मिनट, एक बार एक थोड़ा सा हम करके देखते हैं, देन यू विल बेटर अंडरस्टैंड. एक मिनट.